हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बालों को जल्दी लंबा घना बनाने के लिए चमत्कारी ऑयल के बारे में। जी दोस्तों, एक ऐसा ऑयल जिसे आप घर पर बना सकते हैं और अपने बालों को लंबा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बालों को जल्दी लंबा घना करने के लिए एक चमत्कारी तेल। जी दोस्तों, वो तो मैंने बता दिया कि अगर अपने बालों की केयर करनी है तो आपको शिकर का जरूर यूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे आपके बालों के लिए ये बहुत हेल्दी होगा और आपके बालों को झड़ने से भी बचाएगा। तो दोस्तों, इस तेल की मैं आपको सामग्री बताना चाहती हूँ। आपको 2 चम्मच आंवला पाउडर लेना होगा, 4 चम्मच नारियल का तेल लेना होगा और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल लेना होगा। अब शुरू करते हैं तेल बनाने की विधि के बारे में। नारियल तेल और अरंडी के तेल को धीमी आंच पर हल्का गुनगुना कर लीजिए। तेल गुनगुना होने के बाद इसमें आंवला पाउडर और मेथी पाउडर डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक उबाल लीजिए। उबालने के बाद 6 से 7 घंटे तक इस तेल को ऐसे ही रखना होगा। 6-7 घंटे के बाद ये तेल जो है वो तैयार हो जाएगा। उसको छान लीजिए और एक कंटेनर में उस तेल को भर लीजिए। इस हर्बल तेल को बालों की जड़ों और बालों के नीचे लगाइए। लगातार 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने के 2 घंटे बाद सिर को हर्बल शैम्पू से धो लीजिए। इस तेल को सप्ताह में यानी कि एक वीक में 3 बार इसको प्रयोग करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस तैयार तेल से बालों की जड़ें जो है वो भी मजबूत होती हैं, स्वस्थ होती हैं, झड़ते बाल रुक जाते हैं। समय से पहले अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, साथ ही बाल लंबे घने और चमकदार बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बालों को ध्यान रखेंगे, उन्हें हेल्दी बनाएंगे, हर्बल शैम्पू और ये जो मैंने आपको तेल बताया है इन दोनों चीजों का प्रयोग करेंगे। तो आप अपने बालों का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।